जैकी श्रॉफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के उम्दा कलाकारों में से एक है, जिन्होंने अब तक करीब 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। जैकी श्रॉफ की बात करें तो उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही किरदार निभाए और इन किरदारों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। डेब्यू की तरफ नजर डालेंगे तो साल 1982 में इनकी फिल्म स्वामी दादा आती है। इस फिल्म को करने के बाद इनकी कई सारी और भी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज होती हैं और इस तरह इनका फिल्मी सफर शुरू हो जाता है जो आज तक बरकरार है। मौजूदा दौर में भले ही जैकी श्रॉफ की उम्र जितनी मर्जी हो, लेकिन उनके अभिनय में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है और आज भी उनकी फिल्मों को लोग देखना बेहद पसंद करते हैं। जैकी श्रॉफ भले ही आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हो, लेकिन शुरू शुरू में उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनकी कई सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिन फिल्मों की शूटिंग के दौरान जग्गू दादा को काफी सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। यहां बात करना चाहेंगे कि साल 1984 में आई इनकी एक दमदार फिल्म के बारे में। फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियां। यह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक रही है जिस फिल्म का हीरो एक कुत्ता था। अगर आपने भी जग्गू दादा की फिल्म तेरी मेहरबानियां देखी होगी तो इस फिल्म की कहानी को आपने भी शायद पसंद किया होगा और फिल्म को लेकर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म का लीड हीरो एक कुत्ता था जो बाद में सभी से बदला लेता है। अब फिल्म की कहानी जिस हिसाब से बड़े पर्दे पर गढ़ी गई थी उसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इस फिल्म की खुमारी आज भी बरकरार है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं तेरी मेहरबानियां के उस कुत्ते के बारे में जिस कुत्ते की वजह से जैकी श्रॉफ को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। अमरउजाला.com की खबर के मुताबिक हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे, इस फिल्म में अगर उस कुत्ते की तरफ नजर डालेंगे तो इस फिल्म में उस कुत्ते का नाम था मोती। वैसे तो ये फिल्म पूनम ढिल्लों और जैकी श्रॉफ के बीच लव स्टोरी पर आधारित थी, लेकिन इस फिल्म में सबसे ज्यादा अगर लोगों को किसी चीज ने बांधा था तो वो था जैकी श्रॉफ के कुत्ते मोती का किरदार। लोगों को मालिक और कुत्ते के बीच की स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई थी जिसमें मोती अपने मालिक की मौत का बदला लेने अंत तक लड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मोती का असली नाम क्या था और असल जिंदगी में जैकी के साथ क्या किया था और फिल्म की शूटिंग के दौरान जैकी श्रॉफ किस कदर परेशान हो गए थे। अमरउजाला.com की एक खबर के मुताबिक हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि फिल्म तेरी मेहरबानियां में जैकी श्रॉफ और उनके कुत्ते मोती के बीच में बहुत ही कमाल का रिश्ता दिखाया गया था जिस रिश्ते को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। कुत्ते हमेशा से वफादार होते हैं और जिस वफादारी का नमूना आज से कई साल पहले इस फिल्म के जरिए दिखाया गया था वो वाकई लाजवाब था। मोती अपने मालिक से इतना ज्यादा प्रेम करता था कि उसके कातिलों से बदला लेने के लिए उनसे लड़ता है। अब फिल्म में भले ही जैकी और मोती के बीच में बहुत ही फ्रेंडली और प्यार भरा रिश्ता दिखाया गया था, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं था। एक बार तो मोती ने जैकी दादा को काट भी लिया था। फिल्म में मोती का रोल सबसे अहम था, ऐसे में जैकी श्रॉफ से सेट पर पहुंचने के बाद भी शूटिंग तब शुरू होती थी जब मोती आ जाते थे। और एक बार फिल्म की शूटिंग सेट पर एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने जग्गू दादा को हैरान कर दिया था। दरअसल हुआ यूं कि शूटिंग की जगह पर मोती यानी ब्राउनी कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रहा था, तभी जैकी श्रॉफ वहां पर पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने बैठने के लिए कुर्सी खींची ब्राउनी ने अपने दांत जैकी को गड़ा दिए और वो भी दो बार। तब से जैकी हमेशा से कुत्तों से दूर ही रहते हैं। अब ऐसा नहीं रहा है कि इस कुत्ते ने सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में बेहतरीन किरदार निभाने वाला ब्राउनी कमाल का एक्टर था और तेरी मेहरबानियां में मोती का रोल तो यादगार ही है। इसके अलावा मोती ने तेरी मेहरबानियां मूवी की ओरिजिनल में भी काम किया था। फिल्म मर्द में भी ब्राउनी को ही कास्ट किया गया था। इसके अलावा भी ब्राउनी ने तमिल, तेलुगु, बंगाली और कन्नड़ जैसी कई सारी भाषाओं में बहुत सारी फिल्में की हैं जिन फिल्मों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है।